नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये इमरजेंसी लाइट के ऊपर है, क्योंकि आज हम एक इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। उसकी पूरी वायरिंग आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे पास 4 वाट LED पैनल है और उसके बाद में हमने ले लिया 3.7 की एक लिथियम सेल, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लेंगे एक ऑन ऑफ स्विच, ये आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं या कोई दूसरा स्विच भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम ले लिए हैं फीमेल कनेक्टर और एक डायबोर्ड जिसका नंबर IN4007 और एक LED और एक रेजिस्टेंस। बस इतना ही सामान हमें चाहिए इमरजेंसी लाइट बनाने में। तो आप देख सकते हैं LED का जो बड़ा लेग रहता है हमारी प्लस की रहती है, जो छोटी लेग रहती है वो माइनस की रहती है। तो फिलहाल मैं एक रेजिस्टेंस का पॉइंट और एक डायबोर्ड का जो पूरा ब्लैक है उस दोनों पॉइंट को आपस में कुछ इस तरीके से मैं सोल्ड कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत इजी है इसे बनाना, आप देख के इजीली बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर का प्लस पॉइंट है उसको हम इस रेजिस्टेंस और डायबोर्ड पे अच्छे से सोल्ड कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सोल्ड हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम LED के प्लस वाले पे कुछ इस तरीके से सोल्ड कर देंगे, ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फीमेल कनेक्टर जैक है उसका माइनस वाला डायरेक्ट हम LED के माइनस वाले पे जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जुड़ चुका है, बस बहुत सिंपल कनेक्शन दोस्तों, आप देख के इजीली बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा बैटरी का प्लस वाला है वो डायबोर्ड के हम सिल्वर लाइन पे कनेक्ट कर देंगे और माइनस वाला जो है वो चार्जिंग जैक का जो माइनस आया है LED पे जो जुड़ा हुआ है उस पर हम इसको जोड़ देंगे। बस दोस्तों इतना ही कनेक्शन आपको करना है। उसके बाद में जो हमारा LED और स्विच का बचा है इसको हम करके आपको दिखा देंगे। तो एक LED का जो प्लस वाला है उसको हम स्विच पे कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, ये आप देख सकते हैं, बहुत इजी है दोस्तों, आप देख के इजीली बना सकते हैं। और जो हमारा सिल्वर लाइन वाला डाईबोर्ड वाला है, प्लस वायर हमने बैटरी वाला जोड़ा है, उसको हम जो स्विच बटन है हमारा दूसरे पॉइंट पे उसको अच्छे से सोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से सोल्ड हो चुका है। अब LED का हमारा एक पॉइंट बचा है वो भी माइनस वाला, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा चार्जिंग जैक वाला माइनस पॉइंट है उसी पे उसको हम सोल्ड कर देंगे। एक मिनट दोस्तों मैं आपको एकदम क्लियर दिखा दूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम क्लियर दोस्तों ये हमारा वायरिंग जो है एकदम हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है दोस्तों, मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखा दूंगा कि हमारा ये सर्किट जो है काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसका वायरिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देख के इजीली कर सकते हैं। ये प्लस वाला लाइन है जो डायरेक्टली डायबोर्ड से होते हुए हमारी बैटरी में चला गया है और माइनस वाला जो लाइन है वो LED के माइनस वाले में चला गया है। वायरिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देख के इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा ग्लो कर रहा है। आप छोटा इमरजेंसी ले या कोई बड़ा इमरजेंसी ले, वायरिंग ऐसे ही उसमें भी किया रहता है, आप देख के इजीली कर सकते हैं, छोटा या बड़ा इमरजेंसी आप रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से ग्लो हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों इसको हम आपको चार्जिंग पे भी लगा के दिखा देंगे कि हमारा ये चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम ले लिए हैं चार्जिंग जैक, जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रो चार्जिंग जैक लगता है इसमें, तो ये चार्जिंग जैक है हमारा, इसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी LED जो है ग्लो होना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा जो है बैटरी चार्ज हो रहा है। और चार्जिंग पिन लगा के भी आप इसको जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस जब चार्जिंग आप लगाएंगे तो क्या हमारी जो LED बल्ब है उसका उजाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपके काम आएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।